मेरे भाई को मारने वाला जिंदा रहेगा तो कैसे चलेगा? ये लो तलवार, इसमें 30 करोड़ है, बाकी का 30 काम होने के बाद भेज दूंगा। देखे। ए, ए, ये अब तक जिंदा है, इसने हमें देख लिया है। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे मार दे, मार दे। रिलैक्स, यहाँ इतने लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? इसे छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ना नहीं, कुल उसको मारने से पहले यहाँ से कोई नहीं बचना नहीं चाहिए। तलवार मार दो इसे, मार दो इसे। बचपन से पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए बिताया है, इसलिए मारने से पहले हमेशा आखिरी इच्छा पूछना मेरी आदत है। चल बता, तेरी लाश से इच्छा क्या है? बस 10 मिनट रुक जा, फिर मार दे। किस लिए? जिंदगी में बहुत मेमोरीज होती है, कहते हैं मरने से पहले वो सब याद आती हैं। बस वो एक बार याद कर लेता हूं, उसके बाद मार देना। तेरे लिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। hey, इसे मार कर इसका वीडियो मुझे सेंड कर देना। टाइम खत्म हो चुका है, चलो शुरू करो। पहले मार सकते थे ना, 10 मिनट का टाइम क्यों मांगा? अबे मैं कोई रोबोट हूं क्या? इंसान ही हूं। तुम लोगों ने मुझे इतना मारा तो मेरी बॉडी को रीजनरेट होने में कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही ना। बोल, लगेगा कि नहीं? लगेगा। हेलो, सुनिए जी, घर पर कोई आया है और करोड़ रुपए देकर रखने को कह रहा है। 1 करोड़ रुपए? कौन है वो, किसने ला कर दिए? फोन दो उसे। जिसने ये भेजा है वो इस वक्त आपके पास ही है कह रहे हैं। मेरे पास? मेरे पास कौन है, यहाँ कौन आया है? तूने जो 1 करोड़ रुपए दिए उसके लालच में आकर चक्री ने मेरी मां को मार डाला, इसलिए वो मर गया। मार दिया,
तो उसके पीछे जो वजह है उसको भी तो मरना होगा ना। उसके बाद तेरी बीवी बच्चों का जीना मुश्किल है, इसलिए इंसानियत के नाते वो पैसे लौटा दिए। प्लीज सच में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, सच में मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता। सच क्या बता? सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। काफी दर्द हो रहा है ना? मैं कुछ नहीं जानता, सच में मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे प्लीज। ओ, तो ये दर्द काफी नहीं था? प्लीज प्लीज, सच में मुझे कुछ नहीं पता प्लीज। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। ये बात अगर तूने पहले ही बता दी होती तो इतना कुछ नहीं होता ना। चलो बता मेरी माँ को किसने मारा है, नीटली क्लियरली क्लैरिटी से बता। ये सब करने वाले हैं होम मिनिस्टर। किस लिए? मेमोरियल डायमंड। मतलब? तुझे बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा?